हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज स्टेट हुक के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टेट क्या होते हैं और स्टेट को अपडेट करने के लिए हमें फंक्शन कंपोनेंट में हुक्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि हम अपने फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को कैसे अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक। ओके, तो हुक्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम यूज स्टेट हुक की बात करें या फिर आगे जाकर हम कोई भी हुक पढ़ने वाले हो, ये सारे हुक्स हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। लेकिन रूल इज, जब भी हमें अपने हुक को कंपोनेंट में यूज करना होता है तो हमें सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है अपने कंपोनेंट में। थर्ड रूल इज, यदि हम अपने हुक को यूज कर रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर तो हम इसे कंपोनेंट के टॉप लेवल पर ही कॉल करेंगे। दैट मींस वी कैन नॉट कॉल इट इनसाइड अवर जेएसएक्स और इनसाइड एनी फंक्शंस, सो वी हैव टू कॉल इट एट द टॉप लेवल ऑफ अवर कंपोनेंट। हम अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड लास्ट रूल इज, जो हमारे हुक्स होते हैं वो कंडीशनल नहीं हो सकते। इसका मतलब हम इसे इफ एल्स कंडीशन के अंदर नहीं लिख सकते। ओके, तो अब हम ये सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपना यूज स्टेट हुक सीखते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं मेरी app.js फाइल ओपन है और यहाँ पे अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ अपना app.js सिंपल फाइल रखा हुआ है जिसमें मैं अपना H1 टैग लर्निंग यूज स्टेट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, शो कर रही हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं यूज स्टेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि हमें जब भी अपने यूज स्टेट या किसी भी हुक को यूज करना होता है तो हमें सबसे पहले उसे इम्पोर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगी सबसे पहले तो यूज स्टेट। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि रिएक्ट में अगर आपको पहचानना है कि ये एक हुक है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। जो भी हमारे हुक्स होते हैं, जितने भी हुक्स होते हैं, वो हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अपनी यूज स्टेट हुक को इम्पोर्ट कर लिया है। साथ में ही मुझे रिएक्ट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं एक अलग से लाइन लिख सकती हूँ कि इम्पोर्ट करना है मुझे रिएक्ट को रिएक्ट से, और अगर मुझे दो लाइन अलग अलग नहीं लिखना है, देखो मैं ये दोनों चीज़ें ही रिएक्ट से इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस रिएक्ट को कॉपी करूंगी और कमा देके इस रिएक्ट को इसके साइड में पेस्ट कर दूंगी और आई कैन रिमूव दिस लाइन नाउ। तो हम दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम क्यों दो लाइन का कोड लिखें जब हम सिर्फ एक ही लाइन में एक्स्ट्रा वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट रूल तो अपना जस्टिफाई कर लिया कि हमें यूज स्टेट को सबसे पहले इम्पोर्ट करना होता है अपने कॉम्पोनेंट में, हमने इसे इम्पोर्ट कर लिया। सेकेंड रूल हमने पढ़ा था कि हम जिस भी हुक का यूज कर रहे होते हैं हम उसे टॉप लेवल में ही कॉल करते हैं कॉम्पोनेंट के, हमारा कॉम्पोनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम अपने यूज स्टेट हुक को यहाँ पर टॉप लेवल में ही कॉल करेंगे। अब जो यूज स्टेट होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यूज स्टेट जो होता है वो हमारा एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है और दो चीजें रिटर्न करता है। तो अब वो रिटर्न क्या करता है पहले ये देख लेते हैं, करेंट वैल्यू और साथ में ही एक फंक्शन सेट काउंटर एल से एंड हियर एल से काउंट। ठीक है, और हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू ये लेता है, आई डोंट वांट स्ट्रिंग, आई वांट दिस। मैं लाइन नंबर 5 आपको अच्छे से समझा देती हूँ। हमने यहाँ पर यूज किया है यूज स्टेट। यूज स्टेट हमेशा एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये वैल्यू हो सकती है हमारी इनिशियल वैल्यू जो हम अपने वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। ये ऑप्शन होता है, इफ़ आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मैं यहाँ पे कुछ असाइन नहीं करूँगी और मेरे वेरिएबल में कुछ असाइन नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं अपने वेरिएबल में कुछ यू नो इनिशियल वैल्यू देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। इट कैन बी नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एनीथिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, इवन ऑब्जेक्ट और एन एरे भी मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी नंबर लिख रही हूँ, तो मैंने अपने यूज स्टेट को इनिशियल वैल्यू दे दिया 0। उसके बाद हमारा ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक होता है हमारा काउंट। काउंट क्या है, काउंट इज जस्ट अ वेरिएबल आई हैव यूज्ड। यहाँ पे मैं XYZ ABCD योशिता जैनी कुछ भी लिख सकती थी। तो ये हमारा रिटर्न करता है करेंट स्टेट।
तो मेरा करंट स्टेट क्या है? मेरे काउंट का करंट स्टेट अभी जीरो है क्योंकि मैंने इस काउंट को इनिशियलाइज किया है अभी जीरो से। दूसरी चीज रिटर्न करता है एक फंक्शन। ये हमारा एक फंक्शन होता है जो कि हमारे स्टेट को अपडेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है रिएक्ट के अंदर हम किसी भी वेरिएबल किसी भी डेटा को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो यूज स्टेट हुक है वो ये फंक्शन रिटर्न करता है जिसकी हेल्प से हम अपने स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको ये कैसे समझ आएगा उसके लिए आप ये एग्जाम्पल देखो। अब हम एक काउंटर बनाते हैं, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में भी यही कोड दिया हुआ है तो हम उसी से सिमिलर कोड लिखते हैं जिससे आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाए। ठीक है, मैं लिखती हूँ बटन क्लिक बटन क्लिक्ड, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ काउंट। काउंट में मेरी वैल्यू अभी करेंट स्टेट क्या है? जीरो है, ठीक है, जीरो टाइम्स काउंट टाइम्स। लेकिन मैं साथ में ही बोलती हूँ कि जैसे मैं क्या पे बटन बनाती हूँ, ठीक है, उसमें मैं लिखती हूँ क्लिक मी क्लिक, ओके, और यहाँ पे मैं एक इवेंट हैंडलर ऐड करती हूँ ऑन क्लिक अपडेट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन को कॉल करती हूँ अपडेट काउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना अपडेट काउंट फंक्शन क्या कर लेती हूँ, डिफाइन कर लेती हूँ जल्दी से, फंक्शन अपडेट काउंट। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं अपने सेट काउंटर फंक्शन को कॉल करूँगी क्योंकि सिर्फ एक ये ही फंक्शन है जो मेरे स्टेट को अपडेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि एक काम करो, जो मेरा काउंट है उसमें तुम +1 कर दो। ठीक है, क्या क्या है देखो, अभी मेरा क्या शो हो रहा है, बटन क्लिक्ड जीरो टाइम्स। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मेरा स्टेट को अपडेट होना चाहिए और यहाँ पे मेरा +1 करके आंसर मिलना चाहिए। अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ सी 1 टाइम, क्लिक करती हूँ 2 टाइम, क्लिक करती हूँ 3 टाइम, तो मेरा इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्टेट है जो मेरा वेरिएबल है काउंट वो अपडेट हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेम फंक्शनैलिटी हम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारा जो स्टेट था वो अपडेट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने किसी भी तरीके की हुक का यूज़ नहीं किया था और हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल को अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने देखा था कि रिएक्ट में हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज स्टेट हुक की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ कि हमने कैसे इसे यूज़ किया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले अपना यूज स्टेट हुक को इम्पोर्ट किया है, इम्पोर्ट करने के बाद हमने सबसे पहले इसे डिफाइन किया है, हमने अपने यूज स्टेट को कॉल किया है। यूज स्टेट का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि यूज स्टेट हमारी एक वैल्यू एक्सेप्ट करता है जो कि सेट होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, मतलब काउंट की जो इनिशियल वैल्यू हम सेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीरो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ वैल्यू देनी ही है, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो करूँगी तो यहाँ कोई वैल्यू शो नहीं होगी। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और सेव करती हूँ और मैं अपने पेज को रीलोड करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू शो नहीं हो रही है लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे NaN शो हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करूँगी, NaN क्यों शो हो रहा है, क्योंकि काउंट में जब वो कोई वैल्यू है ही नहीं, +1 करूँगी तो इट्स नॉट अ नंबर, अनडिफाइंड +1 इज नॉट अ नंबर, सो दैट इज़ वाई आई सेव इट टू जीरो। ठीक है, अब उसके बाद सेट काउंटर जो कि हमारे इस स्टेट को जिसकी वैल्यू जीरो है यदि हमें इसे अपडेट करना है तो हमें सेट काउंटर की हेल्प से ही अपडेट करना होगा। तो मैंने अभी क्या लिखा है, मैंने एक काउंटर बनाया है जिसमें मैंने बोला है कि जैसे ही मेरी बटन क्लिक होती है तो इस काउंटर को आप अपडेट कर दो। तो मैंने यहाँ पे अपडेट किसके हेल्प से किया है, मैंने अपडेट किया है अपने सेट काउंटर फंक्शन जो कि हमें यूज स्टेट रिटर्न कर रहा है उसकी हेल्प से। तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो यूज स्टेट बहुत इजी था समझने में और करने में और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट द डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी थिंग एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।